नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में होने वाले विस्तार को लेकर। 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2023 एक कहा जाएगा 2024 का सेमीफाइनल है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। मोदी सरकार कैबिनेट रिशफल करने जा रही है, ऐसा बीजेपी के सूत्रों का कहना है। अगर हम सूत्रों की माने तो कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जा सकता है, कुछ मंत्री जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग हैं उनका भार कम किया जा सकता है। और चर्चा तो यहाँ तक है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्हें एक्सटेंशन देने की बात चल रही है, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में लाकर नए अध्यक्ष को लाया जाएगा। बिहार में कुछ नाम मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं। झारखंड में भी उम्मीद किया जा रहा है कि कुर्मी महतो, चूंकि झारखंड से अभी एक ही केंद्रीय मंत्री हैं, वो है आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अर्जुन मुंडा, जो आदिवासी समाज से आते हैं। बीजेपी महतो और कुर्मी को भी जोड़ना चाहती है, तो उम्मीद किया जाता है कि कोई महतो या कुर्मी को भी झारखंड से जगह दिया जा सकता है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी यादव कम्युनिटी से हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नजरें इन स्टेट्स पर हैं जहां पर लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं और बीजेपी को लगभग 90% से ऊपर सीट्स इन राज्यों में लोकसभा में मिली थी। हालांकि विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2018 के चुनाव में तीनों राज्य हार गए थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसी तरह से मैनेज कर सरकार बनाया था एक साल के बाद, जब 2020 में कोरोना का काल चल रहा था। जो नाम चर्चा में चल रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है जगह, उसमें है कुर्मी और महतो में से कि जमशेदपुर के एमपी विद्युत बरन महतो को जगह हो सकता है कि इसमें मिल जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बीजेपी के अंदर के खामे की बात चल रही है कि बीजेपी में जेपी नड्डा को भी लेकर एक सीरियस गहन मंथन चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आरएसएस चाहता है कि जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके फेवर में दिखते नहीं हैं। कारण क्या है कि हिमाचल प्रदेश, जो जेपी नड्डा का अपना खुद का घर है, वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ना और वहां पर गुटबाजी चरम पर थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो केवल मंत्रियों का ही स्थानांतरण होगा, नए चेहरे आएंगे, उस चेहरों को जगह बाहर का जगह दिखाया जाएगा, उनमें नए मंत्रियों में शामिल होने वाले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे क्या? जब मोदी का पहला 2014 में मंत्रिमंडल बना था, उसमें जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर का जगह मिला था। आज हम केवल बीजेपी के इसी चर्चा पर बात करते हैं, कल फिर किसी और मुद्दों पर आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।